दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वीमैक इंफोटेक। सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, घर को चारों ओर से सुरक्षित बनाएं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीवन उत्साह न्यूज पर। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ बिलासपुर बस अड्डे का बदहाली का दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी आपको थोड़ा दिखाएंगे कि किस तरह जो वो पूरी की पूरी नालियाँ जो वो कूड़े से भरी पड़ी हुई हैं। आखिर यहाँ पर साफ सफाई की जिम्मेवारी आखिर किसकी है? क्या यहाँ पर प्रशासन की जवाबदेही बनती है कि यहाँ पर सफाई करवाएं? कोई पूछने वाला नहीं है। पूरे के पूरे बस अड्डे में मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी आपको एक तरफ यहाँ दिखाएंगे कि किस तरह पूरे के पूरे बस अड्डे में जो वो गंदगी पड़ी हुई है। कोरोना महामारी तो बाद की बात है, पहले तो लोग इस गंदगी की वजह से ही यहाँ पर जो मरने को मजबूर हो चुके हैं। किस तरह जो वो गंदगी छाई हुई है चारों तरफ इस पूरे बस अड्डे के इर्द गिर्द। यदि आप घूमेंगे तो इसी तरह आपको कूड़े के ढेर जगह जगह दिखाई देंगे। ये बस अड्डा कम कूड़ा घर ज्यादा दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी एक तरफ आपको नालियों का दृश्य दिखाएंगे। कोविड महामारी में सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं, किंतु वह सभी बातें जो धरातल पर बिल्कुल सुनने साबित होती हैं। बस अड्डे का हाल देखिए आप, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। सर क्या कहना चाहते हैं आप इस साफ सफाई के? साफ सफाई तो करा रहे हैं ना, चेहरा हाल वहाँ चला हुआ है, कोई बारिश हो रही है तो वहाँ चला हुआ है। बार तो हम कराएंगे, शाम को दोबारा करा रहे हैं। अब यहाँ ये जंगलें लगा रखे हैं, जंगलें उखाड़ रहे हैं, वो उखाड़ा में जा चुका है। अरे सर ये लगता नहीं है कि ये गंदगी जो है आज ही पड़ी हो, ये ऐसे लगता है कि ये कई दिनों से जो है इसी तरह यहाँ पर गंदगी पड़ी है। सर आज तो एकदम से नहीं पड़ सकती है ना सर इतनी गंदगी? बारिश लगी सर, पूरे के पूरे बस अड्डे में आप देख सकते हैं कि किस तरह है, जगह जगह जो गड्ढे पड़े हुए हैं। सर कब इस बस अड्डे की मेंटेनेंस, कब इसकी कोई आपने कोई एप्लीकेशन आगे डाली हुई है कि इसकी रिपेयर का जिम्मेवार कौन है? सर रिपेयर तो मैंने डाली नहीं, हम तो मैं असिस्टेंट हुआ था, आजकल एक दो चार दिन से मेले में गया हुआ है जी। तो सर कब तक जो इसी तरह ये गंदगी पड़ी रहेगी? सर कोरोना महामारी तो सर बात की बात है, पहले आप ये गंदगी देखें सर कि इस गंदगी की वजह से कितनी बीमारियां यहाँ पर हो सकती हैं। या भी उनको बुलवा के अभी सफाई कराएंगे तो दोबारा अभी साफ करो, अभी थोड़ी देर में करा दें। अभी आपने अड्डा प्रभारी जी की बात सुनी कि ये गंदगी आज ही पड़ी, अब आप लोग फैसला करेंगे, आप लोग बताएंगे कि ये गंदगी क्या आज पड़ सकती है? कितने दिनों से ये नालियाँ जो कूड़े से जो लबालब पड़ी हुई है। हमारे बीच में कुछ स्थानीय व्यक्ति हैं जी, सर क्या कहना चाहेंगे आप साफ सफाई को लेकर? आम व्यक्ति बोलना नहीं चाहता है, आम आदमी इस बात को नहीं बोलना चाहता है कि ये गंदगी कितने दिनों से पड़ी हुई है। जी सर बोलिए। गंदगी तो पहले की है, पहले की है ना सर? कितने दिन से लग रहा है आपको सर? मेरे को तो एक महीना दो से लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए, आपके अधिकारियों का स्पष्टीकरण सुनिए कि उनका क्या स्पष्टीकरण है कि ये गंदगी जो वो आज पड़ी। अब आम जनता ये बताएगी कि ये गंदगी आज पड़ी है, ये कब? अब देखना ये है कि कब तक जो वो ये गंदगी इसी तरह पड़ी रहती है। जीवन उत्साह न्यूज की खबर के साथ आप बने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर यदि आपको खबर पसंद हो तो खबर को शेयर जरूर करें ताकि ये खबर जो हो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तक पहुंच सके, ताकि उन्हें भी पता लग सके कि जिन सुविधाओं की आप बात करते हैं वो सभी की सभी सुविधाएं जो
धरातल पर बिल्कुल सुनने साहब सिद्ध होती है। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।